हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्टी एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.5 के सेकंड क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था और उसी में मैंने आपको मैक्सिमा और मिनिमम फंक्शन के बारे में बताया था, तो आपको वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हम उनसे रिलेटेड और आगे के क्वेश्चन करने जा रहे हैं। देखिए, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या कह रहा है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि निम्न फलनों के अधिकतम तथा निम्नतम मान यदि कोई हो तो ज्ञात कीजिए। तो पहले तो हमें ये चेक करना है कि किस पे हमारा फंक्शन की वैल्यू अधिकतम आती है और किस पे आपके न्यूनतम आती है। फिर ये चेक करने के बाद आपको अधिकतम मान और निम्नतम मान भी ज्ञात करना है, इसका मतलब आपको उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान भी ज्ञात करने हैं। और आपको जो फंक्शन दिया हुआ है वो मोड में दे रखा है, देखिए मोड में दे रखा है, निरपेक्ष मान आपको फलन दे रखा है। तो देखिए, आपके ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, सेकंड टाइप थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें जो आपको फंक्शन दिए हुए हैं उनकी वैल्यू आपको पहले से ही पता है कि उनकी मिनिमम वैल्यू क्या है और उनकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है। देखिए, आपको पता चलेगा कि आपको कैसे पता है। देखिए, सबसे पहले आपको फंक्शन क्या दिया हुआ है, मोड में आपको दिया हुआ है x प्लस 1 और उसके बाहर माइनस भी है और प्लस का आपको 3 दिया हुआ है। तो इनको सोल्व करने के लिए देखिए, ना तो आप इनका अवकलन करेंगे ना डबल डैश x लगाएंगे, इनको सोल्व करने के लिए आप अलग तरीका अपनाएंगे। देखिए, ये उन टाइप के फंक्शन में ही करना है जिनके आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता हो। तो देखिए, सबसे पहले देखिए, सिंस हमें पता है कि जो मोड x प्लस 1 है उसकी वैल्यू देखिए मोड लग रहा है, तो इसकी वैल्यू मिनिमम कितनी आ सकती है, मिनिमम इसकी वैल्यू आ सकती है 0। देखिए, अगर आप x की जगह माइनस का 1 भी लेते हैं तो माइनस का 1 प्लस का 1 कितना हुआ 0, तो मिनिमम इसकी वैल्यू 0 आ सकती है, अदरवाइज 0 से हमेशा ज्यादा ही आएगी। आप कुछ भी लेके देख लीजिए, आप माइनस का 5 लेते हैं तो माइनस का 5 प्लस का 1 कितना हुआ माइनस का 4, बाहर मोड लगा हुआ है तो आपके पास प्लस की ही वैल्यू आएगी, तो कन्फर्म है आपका। तो देखिए, इसकी वैल्यू 0 या 0 से बड़ी ही आएगी हमेशा, तो ये साइन हो गया 0 या 0 से बड़ी। और मैक्सिमम कितनी आ सकती है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी आ सकती है और इन्फिनिटी कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसलिए हम इक्वल का साइन नहीं लगाएंगे। तो ये आपको पता है कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है। देखिए, हमें पता है इस प्रकार के फंक्शन में कि इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू क्या है, तो वो मैंने इसके इंटरवल के रूप में रख दिया है। अब आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो आपको बनाने की कोशिश करनी है। तो देखिए, आपको ये मोड तो दिया हुआ है, इसके बाहर माइनस भी दिया हुआ है, तो हम जो हमारे पास इक्वेशन आया है, जो इनइक्वालिटी आपके पास आई है, उसको आप क्या करेंगे, माइनस 1 से गुणा करेंगे, ताकि आपके पास बाहर माइनस का साइन आ जाए से गुणा करने पर। देखिए, आप देखिए इनइक्वालिटी में क्या होता है, असमीकरणों में क्या होता है, हम अगर माइनस से गुणा करते हैं तो ये हमारे इनइक्वालिटी के जो साइन है ये बिल्कुल अपोजिट हो जाते हैं। माइनस एक से जब आप गुणा करेंगे तो ये आपके साइन अपोजिट हो जाएंगे। देखिए, माइनस एक को मैं जीरो से मल्टीप्लाई करती हूँ तो ये तो आएगा आपके पास जीरो, उसके बाद ये साइन आ रहा है इनइक्वालिटी का, तो ये मैंने बताया था इस तरफ है लेस देन की तरफ, ये उल्टा हो जाएगा। देखिए, इसका साइन बिल्कुल उल्टा ऐसे आ जाएगा। उसके बाद आप इसको माइनस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस और मोड एक्स प्लस वन, उसके बाद ये वाला इनइक्वालिटी का साइन ये भी अपोजिट हो जाएगा, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस का इन्फिनिटी। तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं या इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये देखिए, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए, मैंने कुछ चेंज नहीं किया, इनका ऑर्डर चेंज किया है, इसका मतलब ये तो हुआ कि इसकी वैल्यू आएगी वो जीरो से कम या बड़ी आएगी, इसका मतलब भी यही हुआ, तो मैंने थोड़ा सा इनका क्रम चेंज किया है, बाकी वही वैल्यू हमारे पास आई है। अब देखिए, ये तो हमने माइनस वन से किया ताकि इसके क्वेश्चन का थोड़ा सा पार्ट तो बन गया, लेकिन आपको 3 और ऐड करना है, तो हम क्या करेंगे, 3 जोड़ने पर, तो सभी तरफ हम क्या कर देंगे, 3 जोड़ देंगे। तो देखिए, माइनस इन्फिनिटी प्लस 3, तो इन्फिनिटी में आप कुछ भी जोड़ें इससे कोई आपका फर्क नहीं पड़ता है। और ये देखिए, आपका क्वेश्चन बन गया है ये, और यहाँ पे आप 0 + 3 करेंगे। देखिए, 0 + 3 आपने कर दिया, तो इन्फिनिटी में आप कुछ जोड़ें कुछ भी घटाएं इससे आपका कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, तो ये माइनस का इन्फिनिटी रहेगा। देखिए, ये बात ध्यान रखिए आप, और ये आपका क्या बन गया है, ये आपका क्वेश्चन बन गया है जो आपको देना निकालना था। और यहाँ पे देखिए क्या आया, 3 आई वैल्यू आपकी, 3 आई। तो देखिए, हमारा कि हमें क्वेश्चन में इसी की तो अधिकतम और निम्नतम मान ज्ञात करना था। देखिए, क्वेश्चन में कि अधिकतम तथा निम्नतम मान ज्ञात कीजिए यदि कोई हो तो। तो देखिए, इस क्वेश्चन का अधिकतम मान कितना आ सकता है, 3 आ सकता है, क्योंकि इस इक्वेशन का अधिकतम मान 3 या इसके इक्वल है, और मैक्सिमम मान अनंत से ज्यादा होगा इसका मान, और 3 और 3 से कम ही होगा, या 3 होगा या 3 से कम होगा इस इक्वेशन का मान। तो इसमें मैक्सिमम मान क्या हो गया, 3 से ज्यादा नहीं होगा कभी भी इसका मान, 3 से ज्यादा थोड़ी हो सकता है इसका मान, क्योंकि देखिए इनइक्वालिटी का साइन ऐसे है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे
कि हमारा जो उच्चतम मान आया है, उच्चतम मान कितना आएगा? उच्चतम मान देखिए, हमने डायरेक्ट यहाँ पे उच्चतम मान ही निकाल लिया है, लेकिन ऐसे ही टाइप के फंक्शन में काम करेगा जिन्हें आपकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पता हो। देखिए उच्चतम मान तो इसका 3 आ गया, 3 से ज़्यादा हमारे फंक्शन की वैल्यू नहीं आ सकती है। और निम्नतम मान देखिए, निम्नतम मान आपका इन्फिनिटी आएगा, लेकिन इन्फिनिटी कोई एग्जिस्ट थोड़ी करता है, तो हम लिख देंगे इन्फिनिटी। अगर आपके पास प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी ऐसा कुछ आता है, तो आप लिख देंगे कि हमारा निम्नतम मान है उसका अस्तित्व नहीं है, या वो विद्यमान नहीं है, निम्नतम मान विद्यमान नहीं है। बस ये सॉल्यूशन हो गया हमारा, क्वेश्चन में हमसे ये तो ज्ञात करवा रहा था, यदि हो तो ज्ञात कीजिए, तो ये निम्नतम वा तो विद्यमान ही नहीं है, और उच्चतम मान है तो हमने ज्ञात कर लिया है 3 है। देखिए और मैं क्वेश्चन कराती हूँ आपको, ये मोड का ही दे रखा है। तो देखिए सबसे पहले हम मैं मोड की बात करती हूँ जिसका हमें मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू पता हो। तो देखिए एक्स प्लस टू मोड में इसकी वैल्यू मिनिमम कितना आ सकती है, तो वही पहले वाली इसकी भी मिनिमम वैल्यू 0 ही आ सकती है। अगर आप एक्स की जगह माइनस टू लेंगे तो इसकी वैल्यू मिनिमम 0 आ सकती है, अदरवाइज इसकी वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी ही आएगी। इसका मतलब देखिए आप ये वाला साइन यूज कर सकते हैं कि इसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी या 0 के इक्वल आ सकती है, और मैक्सिमम वैल्यू तो इन्फिनिटी आ सकती है। यह हो गया क्वेश्चन में, आपको क्या करना है क्वेश्चन बनाने के लिए, माइनस और ऐड करना है इसमें। तो आप लिखेंगे यहाँ पे कि माइनस एक जोड़ने पर या एक घटाने पर, आप कुछ भी लिख सकते हैं, और आपको क्वेश्चन बनाना है, आपको ये करना है क्वेश्चन बनाना है। तो आप एक घटाएंगे, देखिए माइनस का एक हो गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा एक्स प्लस टू, ये माइनस का एक क्वेश्चन बन गया, ये इन्फिनिटी माइनस का वन, इन्फिनिटी में कोई फर्क पड़ता नहीं है आपके, तो इसको आप लिख सकते हैं ऐसे। ये आ गया आपके ये, और ये आपका इन्फिनिटी आ गया। तो देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई, माइनस का वन, और मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है, ये आपका आंसर। इसके बाद देखिए आपको डायरेक्ट तो वैल्यू नहीं पता है इसकी कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि साइन कोस की आपको मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमेशा पता होती है। साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो माइनस वन होती है, और प्लस वन उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है। देखिए साइन कहाँ से कहाँ तक आता है, माइनस वन से वन तक ही तो आती है उसकी वैल्यू, चाहे आप कुछ भी मान ले लीजिए। हमने सांतत्यता वाला और उसमें त्रिकोणमिति में सबने ये पढ़ रखा है ये चीज़ कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम तो प्लस वन होती है, मिनिमम माइनस का वन होती है। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। देखिए हम जानते हैं कि साइन फोर एक्स की वैल्यू है वो माइनस एक से तो ज़्यादा या इसके बराबर होगी, और प्लस एक से ज़्यादा इस कम या इसके बराबर ही आती है। साइन एक्स की जो रेंज होती है वो यही तो आती है, तो ये आपको पता है। अब देखिए क्वेश्चन बनाने के लिए आपको क्या करना है, थ्री और ऐड करना है, तो हम सभी तरफ क्या कर देंगे, थ्री ऐड कर देंगे। देखिए मैंने यहाँ पे थ्री ऐड किया, आप यहाँ पे लिख लीजिए साइन फोर एक्स प्लस थ्री आ गया, और यहाँ पे आप लिखेंगे वन प्लस थ्री, लिख लिया आपने, तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का टू, ये आपके पास आएगा साइन फोर एक्स प्लस थ्री, ये आपके पास आया फोर। लेकिन अभी हमारा क्वेश्चन नहीं बना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको मोड भी दे रखा है, देखिए मोड भी दे रखा है ना दोनों तरफ, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, मापांक लेने पर, मापांक लेने पर, तो मापांक लेने से हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। देखिए जब आप मापांक लेंगे तो देखिए माइनस दो का भी आपको मापांक लेना पड़ेगा, सभी तरफ मापांक लेंगे आप, तो यहाँ पे आप मापांक लेंगे तो आपका क्वेश्चन बन जाएगा ये हमारा। देखिए यहाँ पे फोर का मापांक लेंगे तो फोर ही आएगा, ये माइनस का मापांक है तो प्लस की संख्या आती है, मोड का यही तो प्रॉपर्टी होती है, और ये हमारा बन गया है क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन बन गया आपका, और यहाँ पे आपकी वैल्यू आएगी फोर, फोर प्लस का फोर की फोर ही आएगी। तो देखिए इसकी मिनिमम वैल्यू तो है टू और मैक्सिमम वैल्यू है फोर, ये इसका आंसर हो गया। इसी टाइप से डी पार्ट है आपका, पार्ट में देखिए डी पार्ट और भी आपका इजी हो गया है। इसमें आपको साइन टू एक्स प्लस फाइव भी दे रखा है, इसमें मोड का भी आपको कोई भी चक्कर नहीं लेना है। इसमें आपको देखिए साइन टू एक्स की वैल्यू वही आपको पता है इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, ये देखिए माइनस वन से हमेशा बड़ी है इसके बराबर, या प्लस वन के इसके इक्वल आएगी। आपको क्वेश्चन बनाने के लिए पाँच ऐड करना है, तो प्लस फाइव आप ऐड कर दीजिए दोनों तरफ, और इसकी मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ले लीजिए, ये आपका होमवर्क है। इसके बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन, देखिए थर्ड क्वेश्चन में आपको क्या करना है, निम्न फलनों को दिए गए अंतराल में आपको अधिकतम तथा निम्नतम मान ज्ञात करने हैं। तो अधिकतम निम्नतम मान आपको ज्ञात करना है, और आपको इनमें एक थोड़ा सा अलग और दिया है, इसमें आपको इंटरवल भी दे रखा है। तो इंटरवल दिया हुआ है आपको, कुछ भी नहीं, आपको वही तरीका आजमाना है। देखिए आपको एफ एक्स इक्वल टू दे रखा है ये, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका एफ डैश एक्स निकालेंगे। तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए इसका डिफिनेशन करेंगे आप, तो इसके आपके पास आएगा देखिए सिक्स एक्स स्क्वायर तो माइनस 24, ये आएगा आपके पास। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें ऐसे क्वेश्चन में आपको करना है,
देखिए, हम सभी टाइप में तो क्या करते थे, एफ डबल डैश एक्स निकालते थे, लेकिन आपको ये देखिए इंटरवल दे रखा है, तो आपको इसमें एफ डबल डैश एक्स निकालने की भी जरूरत नहीं है। आप एफ डैश एक्स को डायरेक्टली जीरो कर दीजिए और एक्स की वैल्यू निकालिए। देखिए मैं एफ डैश एक्स को जीरो कर रही हूँ, तो देखिए 6x² - 24 = 0 आया आपके पास। तो x² क्या आएगा आपके पास, 4, और एक्स की वैल्यू आएगी +-2। अब देखिए इंटरवल आपको दे रखा है कि एक्स बिलोंग कर रहा है 1 और 3 में, 1 भी इसमें इंक्लूड है और 3 भी इसमें इंक्लूड है, लेकिन जो -2 है, x = -2 आ रहा है, वो इस इंटरवल में नहीं है। इसका मतलब आपको x की वैल्यू ओनली +2 ही लेनी है। देखिए आपके पास x की वैल्यू 2 आ गई, और जो आपको ये इंटरवल दिया हुआ है, आपको इन्हीं पे आपको इन्हीं पे क्या निकालना है, फंक्शन की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले देखिए आपको 1 दे रखी है वैल्यू, 2 दे रखी है, 3 दे रखी है, तो आपको 1, 2, 3 पे देखिए एफ 1 निकालना है और आपको एफ 2 निकालना है। ये तो आपने निकाली x की वैल्यू, तो x की जो जो वैल्यू आपको दे रखी है उन पे आपको निकालना है। एक तो ये आपके स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, और x की वैल्यू जो आई है उन पे आपके फलन के मान निकालने हैं। ये आपका हो जाएगा उच्चतम और निम्नतम मान। देखिए उच्चतम निम्नतम मान का पता कैसे लगाएंगे आप, मैं आपको बताती हूँ। देखिए 1 रखेंगे जब आप क्वेश्चन में, तो आपके पास आएगा, देखिए 1 रखेंगे तो आपके पास 2 - 24 और +1 = 07 आएगा ये, तो ये आपकी वैल्यू आती है 80, 85। यहाँ पे देखिए 2 रखेंगे जब आपके पास, 2 रखेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगी 16 - 48 + 107, ये वैल्यू आएगी और ये आएगी आपके पास 75। और इसी टाइप से आप रखेंगे ये, तो आपके पास आएगी 54 और ये आएगी आपके पास 72 और ये आएगी आपके पास 107, तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 89। तो देखिए इसमें हमें ये तीनों वैल्यू निकाली हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी आपकी 85 है, 75 या 89? 89 सबसे ज़्यादा आ रही है आपकी, 89 सबसे बड़ी संख्या है, तो इसको आप बोल देंगे उच्चतम मान। देखिए ये अलग तरीका है, उच्चतम मान बोलेंगे, लेकिन जब आपको इंटरवल दे रखा हो तभी आपको ये अपनाना है। तो उच्चतम मान हो गया, और सबसे कम मान कौन सा आ रहा है इसमें, 75, तो ये आपका हो गया निम्नतम मान। तो इनमें आपको तीन ही मानों की तुलना करनी है, एक तो स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट, और एक्स के आपके जो भी मान आ रहे हैं उनको आप रख के फंक्शन की वैल्यू निकालिए। सबसे कम वाली वैल्यू को आप बोलेंगे निम्नतम, सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू को बोलेंगे आप उच्चतम मान। तो इनमें कोई भी आपको देखिए प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कितना इजी तरीके से हमने सॉल्व किया है। पहले आपको इसको आउटलाइन कीजिए, एक्स की वैल्यू निकालिए और स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट लेके इंटरवल के, और एक्स की वैल्यू लेके आपको ये निकालने हैं एफ एक्स, और सबसे कम वाली वैल्यू को आप बोल देंगे निम्नतम, सबसे ज़्यादा वाली वैल्यू को बोलेंगे आप उच्चतम मान। देखिए आपका होमवर्क है, इसमें आपको इंटरवल दे रखा है 0 to 2, तो आपको इसको सोल्व करना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट पर आपको फंक्शन की वैल्यू लेके उच्चतम और निम्नतम का निर्धारण करना है। उसके बाद देखिए सी के सी पार्ट देखिए मैं आपको करवाती हूँ। इसमें सबसे पहले आपको एफ डैश एक्स निकालना है, तो एफ डैश एक्स निकालेंगे जब आप, तो आपके पास आएगा 1 - 2 cos 2x, प्लस आएगा यहाँ पे, साइन का प्लस ही तो होता है, तो 1 + 2 cos 2x आपके पास आएगा। उसके बाद आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो आप एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 करेंगे, तो 1 + 2 cos 2x = 0, तो आपके पास cos 2x की वैल्यू आई -1/2। देखिए आप cos 2x की वैल्यू -1/2 आई है, यहाँ से आप x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। यहाँ पे देखिए एंगल आपका x नहीं दे रखा है, ओनली 2x दे रखा है, तो जो भी आप ये देखिए x का मान निकालने के लिए इसको आप लिख सकते हैं cos 2x, और माइनस को आप माइनस ऐसे कैसे रहने दीजिए, और इसको आप लिख सकते हैं cos π/3। cos π/3 की वैल्यू हाफ ही तो होती है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और माइनस को हटाने के लिए आप इसको लिख सकते हैं cos, और ये π - π/3, इसको लिख सकते हैं आप। तो देखिए cos 2x की वैल्यू आपके पास आएगी cos 2π/3। अब मैं एक आपको जनरल सॉल्यूशन का जो आपने फॉर्मूले 11th क्लास में पढ़ रखा है, देखिए cos x = अगर cos y होता है तो आप x की वैल्यू क्या लिखते थे, उधर x की वैल्यू आप लिखते थे 2n π और ±y, ये वैल्यू आती थी। तो यहाँ पे देखिए x की जगह तो हमें दे रखा है 2x, और y की जगह दे रखा है 2π/3। तो देखिए इसी कंसेप्ट से हम x की वैल्यू निकालेंगे, तो यहाँ पे x की जगह दे रखा है आपको 2x = 2n π और ±, और y की जगह दे रखा है आपको 2π/3। अब हम क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू रखते जाएंगे और आपके x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए पहले हम n = 0 रखते हैं, तो आपके 2x = क्या आया,
प्लस माइनस का 2π/3, तो एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, एक्स इक्वल्स टू आएगा प्लस माइनस का π/3। लेकिन हमें जो इंटरवल दिया गया है वो एक्स का इंटरवल दे रखा है आपको 0 से लेके π तक, यही तो इंटरवल दिया हुआ है आपको 0 से लेकर 2π तक, सॉरी 2π तक। तो ये देखिए माइनस का π/3 इसमें इंक्लूड नहीं होगा, इसके लिए एक्स इक्वल्स टू ओनली π/3 ही आपको लेना है। इसी टाइप से हम एन की वैल्यू 1 रखेंगे, तो देखिए 2x इक्वल्स टू आपके पास आएगा 2π और प्लस माइनस का 2π/3 आएगा। तो एक बार हम सॉरी यहाँ पे देखिए 2x = 2π प्लस माइनस 2π/3, मैंने एन की वैल्यू रख दी है। अब एक बार तो हम प्लस लेते हैं, एक बार माइनस के लिए सोल्व करते हैं। तो देखिए इससे आपके देखिए एक्स की वैल्यू ये मिलेंगे आपको 2π/3 और 4π/3, ये दोनों ही वैल्यू आपके इंटरवल में बिलोंग कर रही हैं, तो हमें एक्स के ये दोनों ही मान लेने पड़ेंगे। इसके बाद देखिए एन इक्वल्स टू 2 पे चलते हैं, जहाँ से हमारे मान आना बंद हो जाएंगे वहाँ पे हम बंद कर देंगे ये प्रोसेस। तो देखिए अब देखिए आपको एन इक्वल्स टू 2 रखना है, तो 2x इक्वल्स टू आपके पास आएगा 4π और प्लस माइनस 2π/3 आपको 3 दे रखा था। तो इससे एक्स की आपके पास दो वैल्यू मिलेंगी, एक वैल्यू तो आपके पास आएगी 5π/3 और एक वैल्यू आपके पास आएगी 7π/3। तो इसमें देखिए 7π/3 वैल्यू जो है, इसको आप देखिए 3 का भाग देते हैं तो ये 2.1 कुछ के कुछ समथिंग आती है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू है वो 0 से 2π के बीच में बिलोंग नहीं करती है, और ये 5π/3 तो हमारा बिलोंग करती है। इसका मतलब इधर से आपको यही वैल्यू लेनी है। तो हमारे एक्स की देखिए 4 वैल्यूज आ गई हैं। देखिए 4 वैल्यू आप एन बराबर 3 के लिए करेंगे तो कोई सा भी मान हमारे इस इंटरवल में नहीं आएगा, इसलिए हम नहीं लिए हैं इसको। आप लेके सोल्व करके देख लीजिए, तो हमारे एक्स के 3 मान आए हैं, एक तो आया है π/3 और एन इक्वल्स टू 1 पे आए हैं 2 मान, ये 4π/3 और एन इक्वल्स टू 2 पे आपके आया है 5π/3। ये 3 मान आपके पास आए हैं और निरपेक्ष मान हमें निकालना है। निरपेक्ष मान का मतलब सभी आपको अधिकतम और न्यूनतम देखना है, तो आपको सभी पे x की वैल्यू रख के एफ एक्स की वैल्यू निकालनी है इन सभी x के मानों के लिए। जो अधिकतम आएगी उसे आप उच्चतम बोलेंगे, जो न्यूनतम आएगी उसे आप निम्नतम बोलेंगे। तो ये आपका था। उसके बाद देखिए इसका आपका 4th क्वेश्चन बच रहा है, मैं आपको लिख देती हूँ, ये आपका होमवर्क है। आपका होमवर्क है, तो अब आप समझ गए होंगे कि जिन क्वेश्चन में आपको x का इंटरवल दे रखा है उनको आपको कैसे सोल्व करना है। देखिए तो आपको इंटरवल दे देगा और क्वेश्चन में आपसे लिखे गया तो उच्चतम या निम्नतम वैल्यू ज्ञात करो, या आपको ऐसे भी बोल सकता है कि निरपेक्ष मान ज्ञात करो। देखिए एक और वर्ड यूज करता है इन क्वेश्चंस में आपके, निरपेक्ष मान वो कहता है निरपेक्ष मान। तो इसका मतलब भी आपको इंटरवल तो देगा ही, तो इंटरवल देखते ही आपको समझ जाना है कि हमें किस टाइप से सोल्व करना है। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था आपको, सेम उसी टाइप से सोल्व करना है। अब देखिए 4th क्वेश्चन, क्वेश्चन में देखिए 4th क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि निम्न फलनों के हमें चरम मान ज्ञात करने हैं। तो चरम मान का मतलब मैंने आपको बताया था कि उच्चतम और निम्नतम मानों को संयुक्त रूप से हम क्या बोलते हैं, चरम मान बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, चरम मान का मतलब वही है जो मैंने आपको बताया था, उच्चतम और निम्नतम मानों को ही हमें निकालना है। तो देखिए इन क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, पहले एफ डैस एक्स निकालना होता है, यू इन टू वी से निकाल लेंगे पहले हम। तो देखिए साइन एक्स का मैं अवकलन करती हूँ तो ये आएगा कोस एक्स, और कोस टू एक्स को मैं ऐसे कैसे रखती हूँ। उसके बाद देखिए मैंने साइन एक्स का नहीं किया है दूसरे स्टेप में, मैंने ओनली किया है किसका, कोस टू एक्स का। तो ये आपके पास आएगा माइनस का 2 sin 2x, इसीलिए मैंने माइनस नहीं लगाया था पहले। देखिए अब देखिए इसमें एफ डस एक्स को मैं और सोल्व करती हूँ तो देखिए क्या आता है, मैं माइनस 2 sin x को साइन 2x को लिख सकती हूँ, माइनस साइन एक्स साइन 2x और एक और बार माइनस का साइन एक्स साइन 2x, ऐसे मैं लिख सकती हूँ। देखिए आप इसको ऐसे लिख सकते हैं और ये हमारा फॉर्मूला बन गया है cos x cos 2x माइनस साइन एक्स साइन 2x, ये बन गया हमारा cos x प्लस 2x का फॉर्मूला हमारा बन गया है यहाँ तक। देखिए यहाँ तक ये वाले टर्म इसके साथ में ही है, तो ये वाला मैं फॉर्मूला बनाती हूँ। देखिए cos x प्लस 2x और ये हमारा बना माइनस का साइन एक्स इंटू साइन 2x। तो यहाँ आप लिख सकते हैं cos 3x और ये हमारा फॉर्मूला देखिए 2 sin a sin b का मैंने फॉर्मूला आपको बताया था। देखिए 2 sin a into sin b अगर आपका आता है तो ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, cos a माइनस बी इंटू सॉरी माइनस cos a प्लस बी, ये आपका हो जाता है ये फॉर्मूला, ध्यान रखिए आप। देखिए यहाँ पे साइन है, साइन भी तो दे रखा है, 2 नहीं दे रखा है, तो 2 को मैं हाफ में भेज देती हूँ। देखिए मैं यहाँ पे हाफ कर दिया मैंने, ये फॉर्मूला लगाती हूँ, कोस लिखती हूँ, कोस ए माइनस बी का मतलब x में से 2x कटाएंगे तो माइनस का x आएगा, लेकिन कोस पे माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो आप प्लस का x भी ऐसे कैसे लिख सकते हैं, और यहाँ पे आएगा कोस 3x। ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। तो इसको मैं आगे और सोल्व करती हूँ, तो देखिए ये आगे सोल्व होने पर हमारा आता है
कोस 3x और यहाँ पे हुआ हाफ कोस एक्स, यहाँ पे आया हाफ कोस 3x। तो आगे सॉल्व करने पे ये मेरा बनता है, देखिए एफ डैश एक्स हमारा ये बनता है, तो एफ डैश एक्स तो ये आ गया। अब एफ डबल डैश एक्स भी निकालते हैं हम, तो देखिए एफ डबल डैश एक्स जब करते हैं आप, तो आपके पास आएगा माइनस का 9/2 और ये आएगा साइन 3x प्लस हाफ साइन एक्स, ये आएगा आपका। अब एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं आप, एफ डैश एक्स को 0 के इक्वल करते हैं, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकलती है। तो देखिए यहाँ पे मैं करती हूँ इसको हाफ, मैं कॉमन ले लेती हूँ इसमें, तो हमारा आया 3 cos 3x माइनस का कोस एक्स इक्वल्स टू 0। देखिए 2 तो 0 के मल्टीप्लाई में है तो 0 हो गए। यहाँ से आप एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 3 cos 3x, तो हम यहाँ पे देखिए 3 ऐसे कैसे, cos 3x का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है 4 cos 3x माइनस का 3 cos x और ये यहाँ पे cos x एज इट इज, ऐसे कैसे। देखिए इसको जब सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 12 cos 3x, यहाँ पे आएगा 9 cos x और यहाँ पे cos x पहले से है। तो देखिए आपका इसमें आप 2 cos x कॉमन ले सकते हैं, तो कॉमन लेने पे हमारा बचेगा 6 cos² x माइनस का 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ से x के मान निकालते हैं तो cos x इक्वल्स टू, एक तो 0 आया और यहाँ से दूसरा फैक्टर आया आपका 6 cos² इक्वल्स टू 5, लिख देती हूँ मैं डायरेक्टली। देखिए तो यहाँ से देखिए मैंने बताया था या तो आप ऐसे यूज भी ले लीजिए, लेकिन ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है इसलिए मैं इसमें x की वैल्यू ही निकाल लूंगी। तो देखिए cos x 0 कब आता है, जब x की वैल्यू पाई बाई 2 होती है और 3π/2 पे भी cos x की वैल्यू 0 ही आती है, देखिए निकाल के देख लीजिए। और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी आपके, देखिए पहले cos² x के निकालते हैं, तो ये आएगी आपके सॉरी 5/6 आएगी। और देखिए cos x की वैल्यू निकालने के लिए √5/6 और x की वैल्यू निकालने के लिए cos inverse √5/6। लेकिन इसमें ये ध्यान रखिए कि जो अंडर रूट है इसमें हमारे प्लस और माइनस इंक्लूड हैं, तो हमारे आंसर में प्लस और माइनस दोनों ही आएंगे। अब देखिए x के हमारे पास 4 मान आ गए हैं, ये प्लस माइनस में है और यहाँ पे 2 मान ये आए, तो f डबल डैश x में जब इनकी मान रखेंगे आप, तो देखिए f डबल डैश x में मान रखेंगे तो आपके पास आएगा एफ डबल डैश एक्स में, जब आप एक्स इक्वल्स टू पाई बाई 2 रखते हैं, रख के देख लीजिए एफ डबल डैश में रखेंगे तो आपके एफ डबल डैश आएगा ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 आएगा, ये निम्नतम होगा हमारा फलन निम्नतम। देखिए मैं आपको एफ डबल डैश एक्स एक बार लिख के दिखाती हूँ, यह है हमारे पास 9/2 sin 3x प्लस का हाफ साइन एक्स, ये था हमारा एफ डबल डैश एक्स, देखिए था। तो इसमें आप देखिए x की जगह क्या रखेंगे, पाई बाई 2, तो ये हो गया 3π/2, साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होती है, माइनस का 1, तो माइनस का 1 और ये माइनस में 9/2 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 9/2 आ गया, और यहाँ पे आप रखेंगे पाई बाई 2 तो ये तो प्लस का ही आ रहा है, तो दोनों प्लस के प्लस का ही आएगा, ग्रेटर देन 0 ही आएगा। आपको वैल्यू नहीं निकालनी है, प्लस और माइनस ग्रेटर देन और लेस देन 0 देखना है आपको, तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा, ऐसे आपको 3π/2 देखना है। तो एक्स इक्वल्स टू 3π/2 पे आपका फंक्शन एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आएगी लेस देन 0, तो इस पे हमारा फंक्शन होगा उच्चतम। और देखिए 2 मान और बच गए हमारे पास एक्स इक्वल्स टू, एक तो है कोस इनवर्स √5/6, दोनों को हम प्लस माइनस को एक साथ ही ले लेते हैं। तो देखिए आप जब प्लस वाला लेंगे, इसमें प्लस वाला लेती हूँ मैं, तो आपके देखिए एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आती है ग्रेटर देन 0 और एक्स इक्वल्स टू आप लेते हैं माइनस का कोस इनवर्स √5/6, तो आपके एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आती है लेस देन 0। तो लेस देन 0 में तो उच्चतम आएगा हमारा फंक्शन और ग्रेटर देन 0 में हमारा फंक्शन निम्नतम ही आएगा। देखिए ये कोस इनवर्स की वैल्यू आप एफ डबल डैश एक्स में कैसे रखेंगे, इसके लिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए आपको साइन 3x से रखा है, तो पहले आपको साइन 3x को खोलना है, ये हमारा रफ वर्क है क्योंकि हमें तो एफ डबल डैश में ये देखना था कि ग्रेटर देन 0 आ रहा है या लेस देन 0 आ रहा था, तो इसलिए मैंने आपकी कैलकुलेशन नहीं की है। अगर आप पूछ जाते हैं कि इसकी हमें वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन 0 कैसे मिली, तो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए साइन 3x को आप खोलेंगे 3 sin x माइनस का 4 sin 3x, अब साइन एक्स को आप कोस के पदों में चेंज कीजिए, फिर आप कोस इनवर्स एक्स की वैल्यू है कोस इनवर्स के पदों में रख दीजिए, तो आपके ग्रेटर देन 0 आएगी एक बार, तो एक बार लेस देन 0 आएगी, आप रख के देख लीजिए। क्योंकि साइन एक्स में आप एक्स की वैल्यू कोस इनवर्स रखेंगे तो इससे कुछ कटा पिटा नहीं हमारा, लेकिन आपको देखिए इसको साइन कोस के पदों में चेंज करना है और फिर आपको रखना है, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी ये प्लस की आ रही है
है, माइनस की आ रही है। अब देखिए, हमें चरम मान पूछा है, तो आपको उच्चतम और निम्नतम मान भी निकालने पड़ेंगे। तो उच्चतम आपको मान किस किस पे मिल रहे हैं? एक तो मिल रहा है एक्स इक्वल टू 3π/2 पे, और एक माइनस अंडरूट 5/6 वाले पे मिल रहे हैं। तो इनमें आपको फंक्शन की वैल्यू भी रखनी है, फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी है, और निम्नतम वालों में निम्नतम की वैल्यू निकालनी है। ये आपका होमवर्क है। उसके बाद देखिए, आपका होमवर्क और श्री कृष्ण में थोड़ा अलग है, ये मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, श्री कृष्ण में आपको ये पावर है ये वेरिएबल के रूप में दे रखी है। तो ऐसे क्वेश्चन के हमने डिफरेंशिएशन में हमारे एक्सरसाइज में पढ़ रखा है कि इनका डिफरेंशिएशन हम कैसे करते हैं, लॉग लेके करते हैं इनका डिफरेंशिएशन। देखिए, आपको चरम मान निकालने हैं तो आपको एफ डैश एक्स भी निकालना पड़ेगा और एफ डबल डैश एक्स भी निकालना पड़ेगा। इसका मतलब आपको एक्स के रेस्पेक्ट इसका अवकलन करना पड़ेगा। तो अवकलन करने के लिए, देखिए, अवकलन करने के लिए वही बात हमारे काम में आ गई कि हमें इसका लॉग लेना पड़ेगा। तो आप इसको मान लीजिए वाई इक्वल्स टू आपको एफ एक्स दे रखा है, और इसको आप मानिए ऐसा, और दोनों पदों में आप लॉग लेंगे तो लॉग वाई इक्वल्स टू आपका, देखिए पावर है, इसको आप पहले ले लीजिए, तो 1/x log x। अब आपका सिंपल हो गया एकदम। तो आप इसका अवकलन करके आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, ये तो है, तो एफ एक्स के बराबर आप इसका अवकलन करेंगे तो एफ डैश एक्स लिखेंगे यहाँ पे, लोग वाई को आप हटा दीजिए। अब तो अब देखिए, अब इसमें अब मैं 1/x का करती हूँ तो ये आएगा माइनस का 1/x² लोग एक्स, ऐसे कैसे। और इस बार मैं 1/x लोग एक्स का करती हूँ तो लोग एक्स का आएगा 1/x। ऐसे आप अवकलन कर सकते हैं आसानी से, दोबारा भी आप अवकलन कर सकते हैं। तो ऐसा वेरिएबल पावर में आएगा, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था। तो ये देखिए, हमारे अवकलन यहाँ पे बार बार काम में आ रहे हैं। और डी क्वेश्चन आपका है, डी क्वेश्चन में आपको एफ एक्स इक्वल्स टू दिया गया है 1/x लोग एक्स। इन सभी क्वेश्चन में आपको उच्चतम और निम्नतम मान निकालने हैं, चरम मान निकालने हैं। तो ये आपके होमवर्क है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, इसके आगे पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो।